हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल मीडिया सुजापुर। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज है संडे और आज हम आए हैं लाल चौक घूमने के लिए, क्योंकि आज का ब्लॉग आप सबको दिखाने वाले हैं और यहाँ का मौसम का हाल भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज जो मौसम है, मौसम बहुत ही सुहाना है, धूप बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जैकेट पहने हुए हैं और ये अप्रैल का महीना लास्ट महीना चल रहा है ना, और आप देख सकते हैं कि आसमान पर बादल छाया हुआ है। देखिए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों आसमान पर बादल छाया हुआ है और हम इस वक्त आए हुए हैं बराबर घंटाघर के पास। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं ना, और आप सबको इसको थोड़ा हम दिखाएंगे, यहाँ का जो बैकग्राउंड व्यू है किस कदर का है वो सब आप सबको दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो हमारे इस वीडियो में आप बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमें बड़ा शुरू करते हैं और ये देख सकते बहुत ही खूबसूरत सा व्यू यहाँ से आना स्टार्ट हो गया है। हाँ, और उधर LCD लगा हुआ है दोस्तों, और ये जो रेड घर दिख रहा है ये है यात्री निवास। हाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये यात्री निवास है बराबर लाल चौक के पास, घंटाघर के पास है दोस्तों। और आप सबको दिखाएंगे, एक बड़ा सा होटल भी है यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, ये जो वाइट वाले ऊपर दिख रहा है दोस्तों, ये होटल है, बहुत बड़ा होटल है, काफ़ी महंगा है। बहरहाल उसके नीचे बहुत सारे शॉप्स हैं और ये बैठने के लिए बनाया गया है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत। हाँ, बैठने के लिए घर बहुत सारा है क्योंकि यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस है इसकी वजह से। हाँ, और आप सबको यहाँ पर दिख रहा होगा ये है घंटाघर यानी क्लॉक। हाँ, और देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आया हुआ दोस्तों। हाँ, इस साइड से भी आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ का व्यू बहुत ही खूबसूरत सा नज़र है दोस्तों, यहाँ पर इस टाइप का दिख रहा है। हाँ, थोड़ा घंटाघर के पास आप सबको हम जाकर के भी दिखाएंगे। ये देखिए इस साइड से भी बहुत सारे जो है शॉप्स हैं बने हुए हैं। तो दोस्तों थोड़ा और हम करीब चलते हैं, ठीक है, क्योंकि घंटाघर के पास जब खड़ा होने का बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना दोस्तों फ़ोटो खींचते हैं ना, तो आप सबको भी दिखाएंगे कि लोग अभी भी जो है फ़ोटोज़ कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, उधर है हमारे गार्ड साहब। हाँ, और ये देखिए बराबर यहाँ पर फ़ोटो खींच रहे हैं। ये फोटोज़ पॉइंट बना हुआ है सबके लिए, टूरिस्टों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, सबके लिए दोस्तों ना। ये देखिए लोग बहुत सारे, शाम टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, जिस भाई को भी आना होगा श्रीनगर तो थोड़ा शाम टाइम आइए, बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों, काफ़ी मज़ा आता है ना। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी आए हुए हैं ना, तो काफ़ी मज़ा आता है उस टाइम, शाम टाइम यहाँ को जो लाइट्स है ऑन हुआ था और काफ़ी खूबसूरत लगता है दोस्तों। यहाँ के जो टूरिस्टों के लिए कुछ खास जानकारी आप सबको हम देने वाले हैं श्रीनगर के अंदर। जो भी श्रीनगर के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप जो है घंटाघर के पास आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और यहाँ से नज़दीक आपको मिलता है जो पोलो व्यू, वो जो काफ़ी खूबसूरत सा जगह है यहाँ पर दोस्तों। हाँ, और उसके बाद डाल गेट यहाँ का बहुत ही मशहूर जगह है, और उसके बाद चश्मा शाही, निशात बाग, और क्या बोलते हैं उसको, टूलिप गार्डन। तो बाहर हाल दोस्तों अभी टूलिप गार्डन बंद हो गया है, और निशात बाग, शालीमार, हजरतबल, और बादामबाड़ी पार्क, रैनावारी, और मखदूम साहब, जो बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, यहाँ से जस्ट नज़दीक है दोस्तों, काफ़ी नज़दीक है ना। और दूसरा बात, आप सबको यहाँ पर श्रीनगर के अंदर जो है ठहरने के लिए बहुत सारे जो है होटल्स मिल जाएंगे आपको। हाँ, ये जो घंटा घर है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा होटल है, तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर आप लोग रह सकते हैं, यहाँ पर मिला करके आपको अच्छा रहेगा। और दूसरा बात, जो डालगेट है तो डालगेट के अंदर भी आप सबको दोस्तों जो है रुकने के लिए जगह मिल जाता है, वहाँ पर हाउस बोट मिल जाते हैं। हाँ, तो बड़ा संभाल के आप चीप रेट में भी मिलता है, हाई रेट में भी मिलता है, तो आप लोग को किस किस्म का चाहिए आप लोग खुद जो है फेस टू फेस बात करके किराए में ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और वहाँ पर बहुत सारे चीज़ है घूमने के लिए, जैसे कि हाउस बोट भी है, और उसको शिकारा बोलते हैं, और मिशन वाले बोट है वो भी है दोस्तों, वो इसी के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर को जो भी आइए, आप लोग अच्छे से अपने हाथ से फेस टू फेस बात करके, और उसके बाद जाकर के जो है हो सके तो आप लोग वीडियो भी बना लीजिए, और उसके बाद जाकर के आप लोग अपने बजट के हिसाब से होटल लें, और जो हाउस बोट लें, या फिर अदरवाइज आप कुछ भी खाना पीना वो सब लें, ठीक है। तो बहरहाल आपको जो स्ट्रीट फूड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बड़े सस्तों में, और बस आपके बजट में है दोस्तों, यहाँ पर आप आ सकते हैं। अगर आते हैं तो आप सबको जो है कुछ भी अगर पूछना हो श्रीनगर के बारे में, अगर किसी को भी यहाँ पर श्रीनगर के अंदर आना हो, कहाँ से कहाँ जाना है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।